हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिटिंग कैसे करें, काइन मास्टर से एडिटिंग कैसे करें। एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको पूरी एडिटिंग आ जाएगी काइन मास्टर की। अगर यूट्यूब पर वीडियो बना लेते हैं तो इससे बेस्ट आपको मतलब कि हो सकता है, लेकिन आपको सारे ऑप्शन इस काइन मास्टर के अंदर मिलेंगे। और ये कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, बिना वाटरमार्क का करना, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, तो सारी बातें बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऐप दिखाई दे रहा है आपको काइन मास्टर, इस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये ओपन होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से ओपन हो गया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं होम मिक्स क्रिएटिव इनबॉक्स मी, तो यहाँ पर आप ऊपर भी क्रिएटिव पर क्लिक कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर कर रहा हूँ प्लस वाले निशान पर क्रिएटिव न्यू। तो यहाँ से रेस्ट पूछेगा कि किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो। तो यहाँ पर हम शुरू वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, 16:9 मतलब 16:9 पर यहाँ पर क्लिक करके और नीचे क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो गैलरी में आपके जो वीडियो है, फोटो, वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। कैमरे से फोटो खींची है आपने, स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, डाउनलोड की है, ओपन कैमरा से वीडियो बनाई है, सिंपल कैमरा से वीडियो बनाई, सारी की सारी वीडियो मतलब फोटो वीडियो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी ओपन कैमरा से बनाई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ट्रेन की वीडियो बनाई थी, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रेन वाली वीडियो दिखाई दे रही है आपको 28 सेकंड की, तो वो इस प्रकार से आ जाएगा। और इसको यहाँ पर अंगुली टेक कर, गुट्ठा टेक कर हमारा, वो इसको आगे पीछे कर सकते हैं इस प्रकार से। इस लाइन पर क्लिक करेंगे, नीचे जो आपको दिखाई दे रही है वीडियो, इस लेयर पर क्लिक करेंगे वीडियो वाली पर, इस प्रकार से आगे पीछे कर सकते हैं। और अब इसको गैलरी को हटाना है, तो यहाँ पर ऊपर आपको कॉर्नर में कट का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये यहाँ से चला जाएगा। अब देखो, अब वीडियो में करना क्या है, सबसे पहले रिप्लेस यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से मतलब पहले और फोटो वीडियो लेनी है आपको, वो ले सकते हैं, यहाँ पर कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आगे पीछे करके बीच में से यहाँ पर कैंसिल का निशान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो कट करनी है तो यहाँ पर लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, राइट की करनी है तो पीछे की पूरी वीडियो कट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें बीच से कट करना है तो इस तीसरे बारे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, यहाँ पर देख सकते हैं कट गई, वापस हमें कट की है उसको वापस लाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है जो वाइट वाइट है 3 लाइन के नीचे साइड, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये वैसे की वैसी हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा आगे करेंगे, अभी मान लो यहाँ से ये थंबनेल के लिए मुझे फोटो निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फोटो आ गई, ठीक है, देख सकते हैं आप, तो ये थंबनेल बना सकते हैं इसका इस प्रकार से। अभी मतलब इस पर क्लिक करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम इसको वापस, मैंने एरो वाला बताया था उस पर क्लिक करके आप पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉक्स दिखाई दे रहा है रिमूव का, डिलीट का, इस डब्बे पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, वापस लाना है तो वो एरो वाला निशान है, ठीक है, और वापस लाना है तो इस प्रकार से हम उसी ही पोजीशन में आ जाएंगे जैसे पहले थे, वैसे की वैसी वीडियो है। अब देखिए, यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो देखिए उस प्रकार से ओपन हो गए। अभी देखिए स्लिप यहाँ पर ये क्या है, इसको हम आगे मतलब थोड़ा साइड में आगे पीछे कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी मतलब ये पूरी है, एंड पॉइंट पर भी वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं एंड पॉइंट पर जाएंगे तो, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पर यहाँ से हो जाएगी, तो ये देख लेना। देखिए, वैसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लेफ्ट राइट साइड भी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिक्सर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी वॉइस को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं 200%, और इसको कम भी कर सकते हैं, और इसको शो कर ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बंद भी कर सकते हैं वॉइस को, और इसको फिर से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से वॉइस के लिए है, लेफ्ट राइट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारा सारा यहाँ से पीछे पतली ज़्यादा मोटी यहाँ से कर सकते हैं वॉइस, ठीक है, ऑटो वॉल्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया वॉइस के लिए। उसके बाद स्पीड की बात करें तो यहाँ से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 2% मतलब स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ से। म्यूट ऑडियो, तो यहाँ से हमें ऑडियो म्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, म्यूट ऑडियो। अभी मान लो हमने स्पीड तो बढ़ा दी, ठीक है, ये स्पीड बढ़ा दी, लेकिन स्पीड के साथ क्या है कि ऑडियो है वो सेट नहीं होगी, मतलब कि चटपिचर हो जाएगा। अभी ऑडियो म्यूट करना चाहते हैं, मतलब ऑडियो को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम म्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑडियो म्यूट न हो और वीडियो के साथ जैसे वीडियो चल रही है फास्ट, उसी प्रकार से हमारी वॉइस भी फास्ट चले, तो कीप पिच इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ हमारी वॉइस भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से भी हम ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, 1x2x4x, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उल्टा वापस होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मुझे करना नहीं है, टाइम लगेगा, कैंसिल करते हैं इसको, तो ये वीडियो उल्टी चलने लगेगी, ठीक है। और यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से वीडियो को। अभी मान लो ऐसे करके छोड़ दिया और वो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन हमें इसी पोजीशन में रखना है, ऐसे ही रखना है इसको, तो यहाँ से बराबर इक्वल का निशान है, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो ऐसे दिखाई दे, लेकिन हमें ये नहीं करना है, तो यहाँ से हम हटा देते हैं वापस, इसी प्रकार से आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये आ गए हम फिर से उसी प्रकार से। तो यहाँ से हम जूम कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको मतलब मिरर कर सकते हैं, दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है, उल्टी साइड से आ रही है, वो सब यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी घुमा सकते हैं ऐसे, मान लो कोई रील बना दी हमने ऐसे इस प्रकार से दिखाई दे रही थी, वैसे बना सकते हैं। अभी नीचे क्या है, फिल्टर, तो यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें कोई भी नहीं लगाना, तो ऊपर वापस हम नन पर क्लिक करेंगे, नन पर, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद मान लो यहाँ से हमें और वीडियो लेनी, तो मीडिया पर क्लिक करेंगे, चलो यहाँ पर हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, यहाँ से हम मान लो ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अब नई फ़ोटो या वीडियो आएगी, वो इस प्रकार से आएगी, शो करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं करना है उसी प्रकार से तो ऊपर नन पर क्लिक करेंगे और बैक आ जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से वीडियो लेयर पर, और नीचे आप ए आई स्टाइल करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ए आई स्टाइल है वो, यहाँ से आप कर सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ से मान लो ये वीडियो है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूजिक रिमूव, तो जो बैकग्राउंड है अभी मान लो यहाँ पर मेरी वीडियो हो, ये ट्रेन की वीडियो मान लो, तो ट्रेन की वीडियो यहाँ से हमारी रह जाएगी और जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, प्लीज़ डोंट क्लोज काइन मास्टर और टर्न ऑफ यूआर डिवाइस, मतलब इस डिवाइस को इसी प्रकार से रहने देना है, क्लोज नहीं करना है, मतलब स्क्रीन इसी प्रकार से दिखनी चाहिए हमको। ठीक है, तो अभी मुझे करना नहीं है, टाइम लगेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम जो पीछे बैकग्राउंड है ग्रीन हरा जो भी है वो लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी वीडियो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे सुपर, ये यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से इस प्रकार से करेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगी, तो चारों ओर से ब्लर मतलब ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। और यहाँ से वॉइस को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिवर, यहाँ पर भी वॉइस जैसे स्टूडियो जैसी करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इस प्रकार नहीं करनी है तो नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। वॉइस चेंजर यहाँ पर रॉबर्ट जैसे बैड गाइज हनी काइट मैन रेडियो जैसे, यहाँ से रोबोट जैसी आवाज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑडियो को हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालनी नहीं है, इसको डिलीट करेंगे, नीचे आ गई ऑडियो। ठीक है, इसको हम यहाँ से मतलब निकालेंगे तो यहाँ से म्यूट हो जाएगी, तो हमें निकालनी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आएंगे, उसके बाद आगे आपको क्या बताया था, यहाँ से बैकग्राउंड है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा, जैसे कि अभी मतलब वीडियो की ये वीडियो ऐसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आपने फोटो के अंदर देखा होगा पीछे जो बैकग्राउंड होता है और पब्लिक होती है वो ब्लर हो जाती है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, यहाँ से ये सब कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एडवांस कोप, ये सब यहाँ से आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली ऊपर जो बता दी वो नॉर्मल जो जरूरत थी ज़्यादा वो आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ से अपनी जो वॉइस है उसको भी हमें मतलब अनावश्यक आवाज़ है वो भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाहर की चर्चर है शोर है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ से अब देखिए, अगर वीडियो के नीचे हमें और वीडियो लगानी है, और वीडियो फोटो, तो यहाँ से हम ले सकते हैं इस प्रकार से, मान लो ये फोटो लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर कट करेंगे और इस प्रकार से फोटो आ गई हमारी, इस प्रकार से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे उंगली की सहायता से इसको लाएंगे। ठीक है, कम ज़्यादा यहाँ से कॉर्नर पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर वो सारी चीज़ें इसमें भी दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मीडिया के नीचे इफेक्ट, इसमें इफेक्ट भी दे सकते हैं हम, जैसे ये स्टार फिल्टर वाला है, देख सकते हैं इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, समझे आप, जैसे कि इफेक्ट ये ब्लर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये और भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद ये हमें नहीं लगाना है तो इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से कॉर्नर इस साइड से। ठीक है, अभी ये फोटो है इसको भी मतलब एक बार आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टिकर लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टिकर आ जाएंगे और डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, तो ये इस प्रकार से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टैक्स, आपको लिखना है कुछ भी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि तुम्हारा वेरी शॉर्ट वीडियो, तो यहाँ पर आप ये समझिए। तो यहाँ से आप देखिए फ्रंट जो आपकी स्टाइल, जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से आप ऐसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक, सही के निशान पर क्लिक करेंगे, इस साइड प्लस के निशान से कॉर्नर में दिखाई दे रहा है राइट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं उंगली की सहायता से। तो यहाँ पर अभी इसमें भी अगर फोटो की तरह एनिमेशन देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, राइट साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है, तो वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कलर यहाँ से दे सकते हैं आप, ग्रीन है जो भी है। ठीक है, इस प्रकार से, और आउटलाइन देनी है मान लो कि अभी नीला है तो यहाँ पर हम वाइट दे देते हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आप जैसे एडजस्ट करेंगे, कम देनी है, ज़्यादा देनी है,
तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको सजा बजा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको एडिट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे दोबारा से एडिट पर, इस फ्रंट के साइड में दिखाई दे, इसको मतलब आगे पूरी वीडियो पर लगाना है तो इस प्रकार से बताएंगे, इस पर लेयर पर क्लिक करके। ठीक है, अगर इसको काटना है तो कैंची पर क्लिक करेंगे, और एनिमेशन लगाने हैं, आउट एनिमेशन, तो ये सब आप लगा सकते हैं आराम से। अगर इसको थोड़ा सा कम दिखाना है नाम को, ठीक है, तो इस प्रकार से आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है, 100% तो पहले से ही हो जाता है, तो इस प्रकार से इसको बीच में लाना है, जो भी करना है आपको यहाँ से। बैकग्राउंड लगाना भी आपको, वाइट बैकग्राउंड लगाना मान लो, इस प्रकार से आप कलर ले सकते हैं वाइट, और साइड पर क्लिक करेंगे, और अभी मान लो बैकग्राउंड थोड़ा लगा 50% लगा, तो अच्छे से 100% कर सकते हैं इसको, और ये 100% वाइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हैंड राइटिंग, तो यहाँ से आप हैंड से भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और आप एरो का निशान ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आप ये वो ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, जो भी बना सकते हैं इस प्रकार से आप ले सकते हैं, आपको वर्थ लेना है इस प्रकार से। ठीक है, और कलर भी यहाँ से आप ले सकते हैं, अभी नीला ले लिया मैंने ब्लू, ठीक है, तो अभी वाइट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं, यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा साइज करना है देखिए ऐसे। ठीक है, तो वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं, अभी मुझे लेना नहीं है, अभी इसको मिटाना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारा मिट गया, तो इस पर क्लिक करते ही सारा मिट गया। ठीक है, अभी इसके बैक करते हैं, और यहाँ पर आपने जो लिखा है उसको ज़्यादा वो करना है, कम करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं फोटो की तरह। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो ये सिंपली आपको मैंने ये बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब वीडियो के नीचे हमें क्या करना है, ये एडिटिंग हो गई वीडियो की, अभी इसी वीडियो के नीचे अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऑडियो आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, और भी आपके एल्बम में जो भी है वीडियो फोल्डर में, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। रनवे ये यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आप चलाएंगे इसको, काटा पिटी भी कर सकते हैं उसी प्रकार से, इसको वॉइस को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से EQ, बेस, रॉक, वॉइस, पॉप, नेचुरल, ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस साइड देखिए, यहाँ पर तो देखिए वीडियो चलाने के लिए है। ठीक है, मतलब वीडियो हम देख सकते हैं एडिटिंग की। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड ये देख रहे हैं, यहाँ पर इस साइड ये, यहाँ से हम जो भी चीज़ है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ठीक है, और स्पीकर जो भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से। ये हुई बात यहाँ की। अब यहाँ पर मैंने देखिए एक बार दोबारा से बताता हूँ आपको, यहाँ पर इस प्रकार से आ गए। ठीक है, और यहाँ पर माई है, माई हमारी जो स्टोरेज है उसके अंदर है, फाइल के अंदर है, मोबाइल के अंदर, वो यहाँ से हम दे सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, जो सर्च का निशान दिखाई दे रहा है ऊपर, इस साइड जो काटे का निशान, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से वापस हो जाएगा। ये इस साइड की बात हो रही सारी, अब बात करते हैं हम इस साइड, तो यहाँ पर ये बता दिया मैंने आपको बैक जाने के लिए, और ये वापस आने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्रीन को देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं फोटो, वीडियो जो भी है, यहाँ पर कैप्चर थंबनेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो के बारे में बताया गया है, ऑडियो एंड में वॉइस किस प्रकार से धीमी हो, स्टार्टिंग में कैसे हो, वो सारी बातें यहाँ पर। वीडियो के बारे में बताया गया कि वीडियो स्टार्टिंग में जो ब्लर हो जाए, ब्लैक ब्लैक दिखे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट होती है जैसे। ठीक है, लास्ट इसी प्रकार से हो, तो ये सब यहाँ पर वीडियो के बारे में बताया गया है। 2-3 सेकंड वो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, 3-4 सेकंड वीडियो वो मतलब ब्लैक ब्लैक दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडिटिंग पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर फिट इन स्क्रीन, फिल स्क्रीन, ऑटो, ये सब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये आप कर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कट का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद इस साइड जितनी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कट करके मैं और दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, और इस प्रकार से इस स्क्रीन को इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं डिलीट के नीचे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डबल कर सकते हैं, डबल एस लेयर, मतलब यहाँ पर अभी ये आप देखिए जो शुरू में वीडियो है, इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक पर, तो यहाँ पर 3 लाइन पर करेंगे तो यहाँ पर ये डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये डबल हो गई। अगर यहाँ पर मैं डबल लेयर की बात करें तो यहाँ पर ये डबल लेयर हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ मैं, डबल लेयर नहीं करने में। तो इस प्रकार से ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब वीडियो मतलब तैयार हो गया बनकर, अभी क्या करना है, किस प्रकार से मतलब एडिटिंग कर ली हमने। अभी देखिए यहाँ पर वाटरमार्क भी नहीं है कैनवास का, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे डाउनलोड करोगे, कहाँ से करोगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, जो इस साइड मीडिया के ऊपर यहाँ पर कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आपको फुल HD करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, HD 720, यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी देनी है तो यहाँ पर फुल HD कीजिए। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आप ब्राइटनेस ये 16.48 है, इसको आप 10 कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 10 कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब सेव पर क्लिक करना है आपको, सेव पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी वीडियो सेव हो जाएगी कुछ ही मिनटों में। मतलब बड़ी वीडियो है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटी वीडियो है तो उसमें कम टाइम लगेगा। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना है, तब तक ये सेव हो तब तक आपको बता देता हूं कि बिना वाटरमार्क का आपको काइन मास्टर अगर डाउनलोड करना है तो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित वर्मा इंडिया पर जाकर मैसेज कर देना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आपके पास मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि काइन मास्टर से इस प्रकार से मैंने आपको काइन मास्टर से एडिटिंग कैसे करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है। अगर कुछ बच गया है तो आप कमेंट करें, आपको वो भी बता दूंगा। थैंक यू।